वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डीएमएलटी स्टूडेंट। हिमेटोलॉजी तो आपका लेक्चर आज किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन कैस्केड रिएक्शन ऑफ ब्लड क्लोटिंग, यानी ब्लड क्लोटिंग की जो स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे के साथ अटैचमेंट जो है, यानी रिएक्शन जो चलती है कि पहले कौन सा क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होगा, फिर आगे कौन सा क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होगा, वही कैस्केड रिएक्शन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड थ्योरी भी डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार क्या है, पीछे का लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं। तो किसके ऊपर था? एक तो थ्रोम्बोसाइट के फंक्शन के ऊपर था, और क्या था, ब्लड क्लोटिंग का जनरल इंट्रोडक्शन था कि ब्लड क्लोटिंग होती क्या है और उसमें कितने फैक्टर होते हैं, उसको रिवाइज कर लेते हैं। पिछला लेक्चर किस पे था? एक तो थ्रोम्बोसाइट के फंक्शन पे, यानी फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट के फंक्शन क्या होते हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में आपने क्या देखा था कि प्लेटलेट का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था कि उसमें क्या क्या, उसका डायमीटर कितना है, ठीक है, वो कहाँ, उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर क्या होती है, उसमें ग्रेन्यूल्स कितने प्रेजेंट होते हैं। तो आपने देखा तीन ग्रेन्यूल प्रेजेंट होते हैं, एक तो अल्फा ग्रेन्यूल, एक डेंस ग्रेन्यूल और क्या लाइसोसोमल ग्रेन्यूल। तीनों के अलग अलग फंक्शन थे कि पहले में ग्रोथ फैक्टर था, इसमें अल्फा ग्रेन्यूल में डेंस, फिर डेंस ग्रेन्यूल में वही नॉन प्रोटीन सब्सटेंस, लाइसोसोमल ग्रेन्यूल में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले सब्सटेंस, वो सारी चीजें आपने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। फिर क्या है इससे पीछे में फंक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट, तो इसमें क्या है, फर्स्ट देखिए, हेल्प इन द ब्लड क्लोट बाय फॉर्मिंग ए प्लेटलेट प्लग, यानी थ्रोम्बोसाइट का पहला काम क्या होता है कि ब्लड क्लोटिंग करती है, वो ब्लड क्लोटिंग में सहायता करती है, और कैसे करती है कि प्लेटलेट प्लग बना के, यानी प्लेटलेट का जाल बना के। नेक्स्ट, कॉज वासोकॉन्ट्रैक्शन, यानी ब्लड वेसल्स की शेप चेंज, यानी क्या है, कॉज वासोकॉन्ट्रैक्शन यानी ब्लड वेसल्स की जो शेप चेंज है वो भी करती है थ्रोम्बोसाइट। और ब्लड वेसल्स आपको पता है ह्यूमन बॉडी में कौन सी, आर्टरी और वेन, यानी धमनी और सीरा, बाय रिलीजिंग सीरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन A2। और उनकी ब्लड वेसल्स की शेप क्या रिलीज करके करती है कि सीरोटोनिन और थ्रोम्बोक्सिन A2 को रिलीज करके थ्रोम्बोसाइट ब्लड वेसल्स की शेप को चेंज करती है। नेक्स्ट, एक्सिलरेटिंग द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लोटिंग, और क्या ब्लड क्लोटिंग की जो स्टेप है, ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है ह्यूमन बॉडी से एक्स्ट्रा जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करने की जो मैकेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग। यानी एक्सिलरेटिंग क्या है कि एक्स्ट्रा जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप करने की जो प्रोसीजर है ब्लड क्लोटिंग, उसको एक्सिलरेट करती है, यानी तेज करती है। इन्वॉल्व इन फैगोसाइटोसिस ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंड वायरस, और फैगोसाइटोसिस के अंदर भी इन्वॉल्व रहती है एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स में। नेक्स्ट, हेल्प इन द रिपेयर ऑफ डैमेज ऑफ एंडोथेलियम, और क्या है कि जो आपकी आपकी जो थ्रोम्बोसाइट है वो ब्लड वेसल्स की इन साइड की जो सरफेस है एंडोथेलियम उसको रिपेयर करने का काम करती है, यानी जो वो जहां से डैमेज होती है वहां से उसको रिपेयर करती है। नेक्स्ट, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन, यानी क्या है कि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन को स्टोर करने का काम करती है। नेक्स्ट, प्ले ए रोल इन इन्फ्लामेशन, और थ्रोम्बोसाइट किसमें रोल प्ले करती है, इन्फ्लामेशन के अंदर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिससे क्या है कि जैसे प्लेटलेट हो गई या फिर न्यूट्रोफिल हो गई या फिर डेड मैक्रोफेज हो गई, ये सारी क्या एक जगह इकट्ठी हो जाती है जहां पे प्रॉब्लम होती है और इन्फ्लामेशन शुरू शो करती है उस जगह पे। नेक्स्ट है, कौन सा स्टेप आपका फंक्शन क्या था, ब्लड क्लोटिंग किसका, प्लेटलेट का, तो उसी के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड क्लोटिंग या हीमोस्टेसिस, तो कोएगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्लड क्लोट, यानी कोएगुलेशन या ब्लड क्लोटिंग क्या है कि ब्लड क्लोट का बनने का प्रोसीजर है, ठीक है, उसकी प्रोसेस है। दिस इज एन इम्पोर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इनेबल द ब्लीड टू प्लग एंड हील लीजन, यानी ये क्या है, एक महत्वपूर्ण कॉम्प्लेक्स यानी जटिल प्रोसेस है, यानी हार्ड प्रोसेस है, क्या है कि मुश्किल काम है, ठीक है, दैट इनेबल द ब्लीड, जो क्या है कि ब्लीडिंग को स्टॉप कर देता है, ठीक है, बाहर से, यानी जो ह्यूमन बॉडी से रुधिर बाहर निकलता है, रक्त बाहर निकलता है, उसको स्टॉप कर देता है ब्लीडिंग को, कैसे, टू प्लग, यानी प्लग बना के जाल बना के, एंड हील लीजन, और ह्यूमन बॉडी के अंदर होने वाले जो घाव है उनको भी हील करता है, भरता है। नेक्स्ट, दिस इज हाउ टू स्टॉप अनवांटेड ब्लीडिंग, यानी ब्लड क्लोटिंग को क्या बोलते हैं कि किस तरीके से अपन अनवांटेड यानी अनैच्छिक होने वाली जो ब्लीडिंग है ह्यूमन बॉडी में
उसको स्टॉप करते हैं, उसी प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग। नेक्स्ट है हीमोस्टेसिस। तो हीमोस्टोसिस, हीमोस्टेसिस क्या होता है कि ए रेस्ट ऑफ ब्लीडिंग बाय ए फिजियोलॉजिकल या फिजियोलॉजी प्रोसेस फॉर्मिंग ए हीमोस्टेटिक प्लग इज नोन एज हीमोस्टेसिस। यानी क्या है कि ए रेस्ट ऑफ ब्लीडिंग, यानी क्या है, ब्लड को रेस्ट करना, यानी उसको अरेस्ट कर लेना अच्छे तरीके से, यानी क्या है होने वाली जो ब्लीडिंग है उसको रोक देना, किससे, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस से, फॉर्मिंग ए हीमोस्टेटिक प्लग, यानी हीमोस्टेटिक प्लग बना के ह्यूमन बॉडी से और बाहर होने वाली ब्लीडिंग को स्टॉप कर लेना इज नोन एज हीमोस्टेसिस। और इसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, हीमोस्टेसिस बोलते हैं। नेक्स्ट, इट इज ए सीरीज ऑफ इवेंट, देयरफॉर इट्स आल्सो कॉज एज कोएगुलेशन और कैस्केड। यानी क्या है कि ये क्या है, एक सीरीज यानी स्टेप बाय स्टेप होने वाली प्रोसीजर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, कोएगुलेशन और कैस्केड बोलते हैं, यानी चेन रिएक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, स्टेप्स ऑफ हीमोस्टेसिस, यानी हीमोस्टेसिस के अंदर स्टेप बाय स्टेप कैसे काम होता है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि इंद्रियन ब्लड वेसल्स, कि जब भी आपका एक्सीडेंट हो या फिर कोई अदर कंडीशन हो तो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या होनी चाहिए, इंजरी होगी। तो इंजरी होगी तो आपको पता है ब्लड क्या होगा, ह्यूमन बॉडी से बाहर निकलेगा, टिश्यू के कॉन्टेक्ट में आएगा, तो तब क्या होगा, इंजरी इन ब्लड वेसल्स के बाद क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी प्लेटलेट क्या कर देगी, उसकी ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी, यानी संकुचित कर देगी, उसकी शेप को कम कर देगी, छोटा कर देगी। छोटा करने के बाद क्या होगा, जिस जगह इंजरी हुई है वहां पर क्या होगा, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट, यानी एट इंजरी साइट एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट, यानी जिस जगह इंजरी हुई है वहां पे प्लेटलेट क्या हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। इकट्ठी होने के बाद क्या होगा, टेम्परेरी हीमोस्टेसिस प्लग, यानी एक तरीके से क्या है, पहले टेम्परेरी हीमोस्टेसिस प्लग बन जाएगा, यानी ब्लीडिंग स्टॉप होकर टेम्परेरी प्लग बनेगा। और प्लग किससे बनता है कि उसमें रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल क्या है, प्लग के अंदर फंस जाती है, तो किसके द्वारा बनाया जाता है, प्लेटलेट के द्वारा, और वो क्या हो जाता है, टेम्परेरी हीमोस्टेसिस प्लग। और फिर वो टेम्परेरी हीमोस्टेसिस प्लग किसमें कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट ब्लड क्लॉट के अंदर, और ब्लीडिंग स्टॉप, और ब्लीडिंग क्या हो जाती है, ह्यूमन बॉडी से बाहर होने वाली जो ब्लीडिंग है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो शुरू से देखिए कि सबसे पहले तो इंजरी इन ब्लड वेसल्स, यानी ह्यूमन बॉडी की ब्लड वेसल्स में इंजरी होती है, फिर कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी क्या है कि संकुचन होता है किसमें, ब्लड वेसल्स में, ठीक है। फिर एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट, फिर क्या है कि प्लेटलेट इकट्ठी हो जाती है इंजरी की साइड पे, फिर टेम्परेरी हीमोस्टेसिस प्लग, और टेम्परेरी हीमोस्टेसिस प्लग चलता है। नेक्स्ट, परमानेंट ब्लड क्लॉट, फिर क्या है कि परमानेंट ब्लड क्लॉटिंग फॉर्म हो जाती है, और ब्लीडिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। ये क्या है, प्रोसीजर किसका, हीमोस्टेसिस का। नेक्स्ट, फैक्टर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, अरे ब्लड क्लॉटिंग के अंदर कौन से फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, फाइब्रिनोजन। दूसरा क्लोटिंग फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन। तीसरा क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। चौथा होता है कैल्शियम। पांचवा होता है लेबाइल फैक्टर। छठा क्या होता है, स्टेबल फैक्टर। सातवां एंटी हिमोफिलिक फैक्टर। आठवां क्या है, सातवां क्या है आपका, स्टेबल फैक्टर। आठवां है एंटी हिमोफिलिक फैक्टर। और नौवां क्या है, क्रिसमस फैक्टर। और दसवां है स्टुएट फैक्टर। ग्यारहवां क्या है, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। और बारहवां है हिजमैन फैक्टर। तेरहवां क्या है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ये सारे फैक्टर एक दूसरे के साथ अटैच होके क्या बनाते हैं, ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग क्या है, इन सारे फैक्टर्स को मिलके ही एक कैप फॉर्म, एक प्लग बनता है, एक जाल बनता है, जिससे एक्स्ट्रा होने वाली जो ब्लीडिंग है ह्यूमन बॉडी से वो स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, ब्लड क्लोटिंग। तो ब्लड क्लोटिंग के अंदर क्या होता है कि दो प्रकार की ब्लड क्लोटिंग होती है ह्यूमन बॉडी में, एक तो इंट्रेंसिक पाथवे और एक एक्सट्रेंसिक पाथवे। इंट्रेंसिक पाथवे का क्या है कि इनसाइड ब्लीडिंग हो कोई, ठीक है, जिसमें ब्लड क्या है कि कॉन्टेक्ट में ना आए किसके, टिश्यू के। और एक्सट्रेंसिक के अंदर क्या है कि ब्लड वेसल से बाहर आके किसके अंदर कॉन्टेक्ट में आ जाता है, टिश्यू के कॉन्टेक्ट में आ जाता है। तो शुरू से देखिए इंट्रेंसिक ब्लड क्लोटिंग में क्या होगा कि सबसे पहले क्या है, 12वां फैक्टर एक्टिवेट होगा, यानी सबसे पहले क्या है, इंट्रेंसिक ब्लीडिंग में
जो हेडमैन फैक्टर है वो क्या होगा, एक्टिवेट होगा। फिर 12वां फैक्टर किसको एक्टिवेट करेगा, 11वें फैक्टर को, यानी 11वां फैक्टर एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर 11वां फैक्टर किसको एक्टिवेट करता है इंट्रेंसिक पाथवे में, 9वें फैक्टर को, ठीक है। 9वां फैक्टर फिर किसको एक्टिवेट करता है, कि 9वां फैक्टर किसको एक्टिवेट करता है, 10th फैक्टर को। 9वां और 7वां जो फैक्टर है वो दोनों मिलके किसको एक्टिवेट कर देते हैं इंट्रेंसिक पाथवे में, एक तरीके से 10th फैक्टर को। नेक्स्ट, अगर यहां तक क्या इंट्रेंसिक पाथवे अलग चलता है, नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक पाथवे। अगर एक्सट्रिंसिक पाथवे में देखें तो सबसे पहले क्या है, तीसरा फैक्टर एक्टिवेट होता है, यानी टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है टिश्यू से, और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन में अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होती हैं, जो रिलीज होने के बाद किसको एक्टिवेट करती है, 7th फैक्टर को। 7th फैक्टर, 7th क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होने के बाद किसको एक्टिवेट करता है, चौथे क्लोटिंग फैक्टर के साथ यानी कैल्शियम आयन के साथ मिलकर किसको एक्टिवेट कर देता है, 10th फैक्टर को। और क्या इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक में, दोनों में जब 10th फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है तो आगे का जो प्रोसीजर है वो क्या है, सिमिलर चलता है, सेम चलता है दोनों में। फिर क्या है, प्रोथ्रोम्बिन किसमें एक्टिवेट हो जाता है, थ्रोम्बिन के अंदर, यानी सेकंड क्लोटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन किसमें एक्टिवेट हो गया, थ्रोम्बिन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व था, कि एक तो क्या है 5वां क्लोटिंग फैक्टर काम में आता है, और क्या है 10वां फैक्टर काम में आता है, और कैल्शियम आयन काम में आता है। फिर थ्रोम्बिन किसको एक्टिवेट करता है, पहले क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है, यानी फाइब्रिनोजन को। फाइब्रिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रिन के अंदर, यानी एक फाइब्रिन मोनोमर, यानी एक लंबी एक क्या है, तंतु जैसी संरचना बन जाती है, ठीक है। इसको एक्टिवेट करने में किसका रोल था, थ्रोम्बिन का। नेक्स्ट, फिर फाइब्रिनिजन, फाइब्रिन की जो मोनोमर यूनिट है वो पॉलीमर में बन जाती है, यानी फाइब्रिन एक जाल बना लेता है, नेट बना लेता है। और इसको नेट बनाने में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है, फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर का, यानी 13वें क्लोटिंग फैक्टर का। क्रॉस लिंक्ड फाइब्रिन पॉलीमर, यानी अलग अलग क्रॉसिंग के द्वारा वो जाल बना लेता है इंजरी की साइड पे, जहां पे प्लेटलेट वगैरह अदर सेल अरेस्ट होके क्या बना लेती है, क्लोट बना लेती है। तो शुरू से देखिए कि इंट्रेंसिक पाथवे के अंदर क्या होता है, कि सबसे पहले तो क्या है कि 12वां क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है, फिर 12वां 11वें के क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है, और 11वां किसको करता है, 9वें क्लोटिंग फैक्टर को। और फिर क्या है कि 9वां और 7वां क्लोटिंग फैक्टर दोनों मिलकर किसको एक्टिवेट करते हैं, 10th क्लोटिंग फैक्टर को, और चौथा क्लोटिंग फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। एक्सटेंसिक के अंदर देखें तो सबसे पहले क्या है कि 3rd क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है। फिर क्या है कि 3रा क्लोटिंग फैक्टर 7वें क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है, और 7वां और चौथा दोनों मिलकर किसको एक्टिवेट करते हैं, 10वें क्लोटिंग फैक्टर को। और फिर 10वां और 5वां मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, थ्रोम्बिन में, यानी सेकंड क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। और थ्रोम्बिन फिर किसको एक्टिवेट कर देता है, फाइब्रिनोजन को, यानी फाइब्रिन मोनोमर में, ठीक है। और फिर फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर क्या बना देता है, फाइब्रिन पॉलीमर बना देता है, जो क्या एक प्लग है, और जिसके अंदर ब्लड सेल्स अरेस्ट होके क्या बना लेती है, ब्लड क्लोटिंग, क्लोट बना लेती है। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक पाथवे या इंट्रेंसिक पाथवे। तो डैमेज इन एक्सट्रिंसिक पाथवे में देखिए, डैमेज टू टिश्यू आउटसाइड द ब्लड वेसल्स, यानी किसी टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स के बाहर इंजरी होना, तो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, जो क्या है 10वें फैक्टर को एक्टिवेट करेगा, 10वां एक्टिवेटेड फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा, और फाइब्रिनोजन, फिर थ्रोम्बिन क्या है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, और फिर 13वां क्लोटिंग फैक्टर आके क्या कर देगा, ब्लड क्लोटिंग कर देगा। इंट्रेंसिक के अंदर देखिए, डैमेज टू द ब्लड वेसल्स, यानी डैमेज किसमें होगा, ब्लड वेसल्स में। फिर कैस्केड रिएक्शन चलेगी भाई, कि सबसे पहले 12वां एक्टिवेट होगा, 12वां फिर 11वें को एक्टिवेट करेगा, 11वां फिर 9वें को एक्टिवेट करेगा, और फिर क्या है कि 9वां किसको एक्टिवेट करेगा, 9वां और 7वां दोनों मिलके 10वें क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करेंगे, और 10वां क्लोटिंग फैक्टर फिर क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में, और फिर फाइब्रिनोजन किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, फाइब्रिन में, और ब्लड क्लोट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इंट्रेंसिक पाथवे, यानी इंट्रेंसिक पाथवे की थ्योरी। इंट्रेंसिक पाथवे इज टाइप ऑफ ब्लड क्लोटिंग पाथवे विच इज एक्टिवेटेड बाय ए ट्रोमा इन ब्लड और वेयर ब्लड लॉस इज एक्सपोज टू ए सब एंडोथेलियम कोलेजन। यानी क्या है कि इंट्रेंसिक पाथवे क्या है, ब्लड क्लोटिंग का टाइप है, विच एक्टिवेटेड बाय ट्रोमा, यानी जो किससे एक्टिवेट होता है, चोट से, किससे, ब्लड के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर। और ब्लड जब किससे एक्सपोज हो, कि सब एंडोथेलियम यानी ब्लड वेसल्स के इनसाइड की जो सरफेस है उससे जब ब्लड मैच होगा तो क्या इंट्रेंसिक पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। नेक्स्ट,
स्लो प्रोसेस यानी इंट्रेंसिक पाथवे क्या है, एक स्लो प्रोसीजर यानी धीरे धीरे चलता है। नेक्स्ट इंट्रेंसिक पाथवे बिगेंस विद द ब्लड ट्रोमा एंड इन्वॉल्व फैक्टर 12, 11, 9 या 7 और 8, ठीक है। यानी इंट्रेंसिक पाथवे के अंदर क्या है कि दो प्रकार मोस्टली क्या है कि ब्लड ट्रोमा से शुरू होता है वो जब चोट लगती है, ठीक है, और इन्वॉल्व कौन से फैक्टर है कि 12वां फैक्टर इन्वॉल्व है, 11वां फैक्टर इन्वॉल्व है, 9वां फैक्टर इन्वॉल्व है और 8वां फैक्टर इन्वॉल्व है। नेक्स्ट विहन फैक्टर 12 फैक्टर कॉन्टेक्ट विद द एक्सपोज्ड कोलेक्टन कोलिजन इट्स एक्टिवेट 12 एक्टिवेट, यानी क्या है कि जब 12वां जो फैक्टर है हेल्मेन फैक्टर है वो कोलेजन फाइबर के अंदर कॉन्टेक्ट में आता है या एंडोथीलियम के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो क्या है 12वें एक्टिवेटेड फैक्टर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो शुरू से देखिए कि इंट्रेंसिक पाथवे इज ए टाइप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग पाथवे विच इज एक्टिवेटेड बाय ए ट्रोमा इन ब्लड और व्हेन ब्लड इज एक्सपोज्ड टू ए सबक्यूटेनियल एंडोथीलियम कोलेजन। यानी इंट्रेंसिक पाथवे क्या है कि ट्रोमा से शुरू होता है किसी चोट से जो ब्लड वेसल्स के अंदर होती है या ब्लड वेसल्स से होती है, ठीक है, और जब क्या है कि ब्लड किसके कॉन्टेक्ट में आ जाता है एंडोथीलियम के कॉन्टेक्ट में आ जाता है तो इंट्रेंसिक पाथवे क्या है शुरू हो जाते हैं, यानी कोलेजन फाइबर या इंट्रेंस एंडोथीलियम के सरफेस के कॉन्टेक्ट में आता है। नेक्स्ट स्लो प्रोसेस यानी इंट्रेंसिक पाथवे कैसी है, धीरे प्रोसीजर है। इंट्रेंसिक पाथवे बिगेंस द ब्लड ट्रोमा एंड इन्वॉल्व फैक्टर 12, 11, 8 या 9। यानी इंट्रेंसिक पाथवे क्या है कि ब्लड ट्रोमा से शुरू होती है जिसके अंदर कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है 12वां, 11वां, 9वां और 8वां। विहन फैक्टर 12 कॉन्टेक्ट विद एक्सपोज टू कोलेजन, यानी जब 12वां फैक्टर कोलेजन फाइबर के कॉन्टेक्ट में आता है चोट लगने के बाद तो क्या है 12वां फैक्टर एक्टिवेटेड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट एक्टिवेटेड फैक्टर 12 इज एक्टिवेट एंड कैटलाइज द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 11, यानी क्या है 12वां एक्टिवेटेड फैक्टर किसको एक्टिवेट करता है फिर 11वें एक्टिवेटेड फैक्टर को, यानी 11वें फैक्टर को किसमें कन्वर्ट कर देता है 11th एक्टिवेट के अंदर। फिर एक्टिवेटेड फैक्टर 11 देन एक्टिवेट द फैक्टर 9, फिर क्या एक्टिवेटेड फैक्टर जो 11 है वो किसको एक्टिवेट करता है 9th नंबर के क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट एक्टिवेटेड फैक्टर 9 और क्या है 8th जो फैक्टर है कंबाइन गोज टू एक्टिवेट द फैक्टर 10, यानी एक्टिवेटेड फैक्टर 9 और 8वां जो क्लोटिंग फैक्टर है 8th क्लोटिंग फैक्टर दोनों जुड़ के किसको एक्टिवेट करते हैं फिर एंड फैक्टर को, और इसमें क्या है कि चौथा क्लोटिंग फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है 10वें क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करने के लिए, यानी 10 क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट करने के लिए। नेक्स्ट इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक पाथवे सिस्टम सिमिलर आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर 10, यानी इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक जो पाथवे है वो क्या है 10वें क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेट होने के बाद सिमिलर है। तो शुरू से देखिए कि सबसे पहले तो क्या है जबकि इंट्रेंसिक पाथवे में क्या होता है कि जब कोई चोट लगती है ब्लड वेसल्स में ब्लड किसके कॉन्टेक्ट में आता है कोलेजन फाइबर के या ब्लड वेसल्स की एंडोथीलियम सरफेस के, तो क्या है कि कौन सा फैक्टर एक्टिवेट हो जाता है 12वां फैक्टर यानी हेजमैन फैक्टर क्या हो जाता है एक्टिवेटेड हो जाता है। फिर शुरू से देखिए इसमें कि एक्टिवेटेड फैक्टर 12 यानी हेजमैन फैक्टर एक्टिवेट एंड कैटलाइज द एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 11, ये एक्टिवेट होके क्या है कि 11 फैक्टर को कैटलाइज करता है उसको एक्टिवेट करता है। एक्टिवेटेड फैक्टर 11 देन एक्टिवेट द फैक्टर 9 और एक्टिवेटेड 11 फैक्टर फिर किसको एक्टिवेट करता है क्लोटिंग के अंदर 9 क्लोटिंग फैक्टर को। नेक्स्ट एक्टिवेटेड 9 और 8 दोनों फैक्टर कंबाइन होकर किसको एक्टिवेट करते हैं एक्टिवेट द 10th फैक्टर यानी 10वें फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं और 10वें फैक्टर को इन्वॉल्व करने के अंदर चौथे फैक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है यानी कैल्शियम आयन का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। और इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक पाथवे सिस्टम सिमिलर आफ्टर द एक्टिवेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर, और इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक जो पाथवे है वो क्या है 10वें पाथवे 10वें क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेट होने के बाद सिमिलर है यानी एक जैसे हैं दोनों सिमिलर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है एक्सट्रेंसिक पाथवे, तो एक्सट्रेंसिक पाथवे इज अनदर वे ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, यानी एक्सट्रेंसिक पाथवे क्या है कि एक दूसरा चरण है या पाथवे किसका ब्लड क्लोटिंग का, ठीक है। दिस सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय वैस्कुलर टिश्यू ट्रोमा और सराउंडिंग एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू ट्रोमा। दिस सिस्टम इज एक्टिवेटेड यानी एक्सट्रेंसिक पाथवे है वो कब एक्टिवेटेड होता है कि ब्लड वैस्कुलर
या फिर टिश्यू के अंदर जब कोई चोट लगती है, यानी कोई टिश्यू को ब्लड वेसल्स ने घेर रखा है, सराउंडेड है वो, और उसके अंदर क्या लग गई, वेस्क्यूलर के अंदर, वेस्क्यूलर टिश्यू के अंदर चोट लग गई, ट्रोमा हो गया, ठीक है, तब क्या एक्सट्रिंसिक पाथवे एक्टिवेट होता है। नेक्स्ट, दीज एक्सटर्नल फैक्टर रिलीज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल फैक्टर विच इज कलेक्टिवली नोन एज टिश्यू फैक्टर या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और फैक्टर थर्ड। और ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है, यानी क्या है, चोट लगी हुआ एक्सटर्नल कॉम्प्लेक्स फैक्टर रिलीज करेंगे सेवरल, विच इज कलेक्टिवली उन जो कॉम्प्लेक्स रिलीज हुआ है चोट लगने के बाद में टिश्यू से, उस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं अपन, कलेक्टिवली नोन एज टिश्यू फैक्टर, यानी टिश्यू फैक्टर बोलते हैं, या फिर टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं, या ब्लड क्लोटिंग फैक्टर थर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट, टिश्यू फैक्टर इज द मेन कंपोनेंट विच एक्टिवेट द एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ ब्लड क्लोटिंग। और टिश्यू फैक्टर क्या है कि मेन कंपोनेंट है एक्सट्रिंसिक पाथवे का, जो क्या है आगे की ब्लड क्लोटिंग को एक्टिवेट करता है। तो शुरू से देखिए क्या है एक्सट्रिंसिक पाथवे, कि एक्सट्रिंसिक पाथवे इज अनदर वे ऑफ ब्लड कोएगुलेशन, दिस सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय वेस्कुलर ट्रोमा और सराउंडेड एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यू ट्रोमा। यानी एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है, दूसरा ब्लड कोएगुलेशन का, ब्लड क्लोटिंग का टाइप है, ठीक है, जिसमें क्या है कि किसी वेस्क्यूलर टिश्यू के अंदर चोट लगती है तब क्या एक्सटेंसिक पाथवे शुरू हो जाता है, यानी ट्रोमा होती है उसमें। नेक्स्ट, दीज एक्सटर्नल फैक्टर रिलीज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ सेवरल फैक्टर। और जब चोट लगती है तो एक्सटर्नल एक्स्ट्रा से टिश्यू एक्सटर्नल यानी टिश्यू के बाहरी फैक्टर से क्या रिलीज होता है, एक कॉम्प्लेक्स रिलीज होता है, यानी बहुत सारे कंपोनेंट या सेवरल फैक्टर्स रिलीज होते हैं, उन सेवरल फैक्टर्स को क्या बोलते हैं, विच इज कलेक्टिवली, यानी उन सभी को क्या बोलते हैं, नोन एज, जो जाने जाते हैं टिश्यू फैक्टर और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी टिश्यू से रिलीज होने वाले बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर को क्या बोलते हैं अपन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं और थर्ड क्लोटिंग फैक्टर बोलते हैं। नेक्स्ट, टिश्यू फैक्टर इज द मेन कंपोनेंट विच एक्टिवेट द एक्सटेंसिव पाथवे ऑफ ब्लड क्लोटिंग। और टिश्यू फैक्टर क्या है, मेन कंपोनेंट है किसका, एक्सटेंसिव पाथवे का, जो ब्लड क्लोटिंग को आगे एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट, आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ थर्ड क्लोटिंग फैक्टर टिश्यू फैक्टर एक्सपोज टू ब्लड एंड एक्टिवेट फैक्टर 7 × फैक्टर एक्टिवेटेड 7। और क्या है कि तीसरे क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेट होने के बाद ब्लड किसके क्लोट कम को किसके कॉन्टेक्ट में आता है, एक्सपोज होता है 7 क्लोटिंग फैक्टर के, और 7वां क्लोटिंग फैक्टर क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। इसमें एक्सटेंसिव पाथवे में फैक्टर 7th एक्टिवेटेड फैक्टर 9 × 9 एक्टिवेटेड फैक्टर 9 एक्टिवेट फैक्टर 10 × 10th एक्टिवेटेड। यानी क्या है कि 7वां एक्टिवेटेड फैक्टर क्या है, मोस्टली बुक्स में तो क्या लिखा गया है कि 7th एक्टिवेटेड फैक्टर किसको एक्टिवेट कर देता है, 10th फैक्टर को। और इसमें इन्वॉल्व क्या रहता है, कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व रहता है इसमें, इसमें कैल्शियम आयन भी इन्वॉल्व रहते हैं साथ में। नेक्स्ट क्या है कि, और क्या है, कई बुक्स में क्या है 7वां और 9वां दोनों मिलकर किसको एक्टिवेट करते हैं, 10th एक्टिवेटेड 10वें फैक्टर को एक्टिवेट करते हैं। फैक्टर 10th एक्टिवेटेड इज द प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन। फैक्टर 10वां फैक्टर एक्टिवेटेड है, जो क्या किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करता है, थ्रोम्बिन को। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, सबसे पहले तो तीसरा क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है, फिर 7वां क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होता है, फिर 7वां और 4th क्लोटिंग फैक्टर एक्टिवेट होके किसमें किसको एक्टिवेट करते हैं, 10वें क्लोटिंग फैक्टर को, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलने के लिए। फिर है कॉमन पाथवे, यानी जो एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक पाथवे में सिमिलर चलता है एक जैसा। तो इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक पाथवे आर सिमिलर आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ 10th क्लोटिंग फैक्टर। यानी 10वें क्लोटिंग फैक्टर के एक्टिवेट होने के बाद इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे क्या है, सिमिलर यानी एक जैसे चलते हैं। नेक्स्ट, क्लोटिंग फैक्टर 10 प्लस में कैल्शियम आयन बोथ आर एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। यानी 10वां फैक्टर और कैल्शियम आयन दोनों मिलकर क्या है, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करते हैं, थ्रोम्बिन में। और यहाँ पे क्या है, 5वां क्लोटिंग फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन प्लस में कैल्शियम आयन एक्टिवेटेड फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। और जो एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन है वो और कैल्शियम आयन मिलकर क्या है, फाइब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, फाइब्रिन में, यानी पहले क्लोटिंग फैक्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। नेक्स्ट, एक्टिवेटेड फाइब्रिन बाय द हेल्प ऑफ फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर मेक क्लॉट इन ब्लड वेसल्स। और जो एक्टिवेटेड फाइब्रिन है
वो क्या है कि थायमिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर के द्वारा ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है क्लॉट बना देती है, यानी क्या है फाइब्रिन पहले मोनोमर बनती है, इसके द्वारा एक्टिवेट होती है वो तो प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियमाइन के द्वारा, और फिर फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर क्या है फाइब्रिन पॉलीमर बना देता है, एक प्लग बना लेता है, जिसमें क्या है कि अलग अलग ब्लड सेल्स जैसे व्हाइट ब्लड सेल हो गई या फिर प्लेटलेट होगी वो सारी अरेस्ट हो जाती है ब्लड यानी जाल में, और क्या है ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो कॉमन पाथवे में देखिए कि सबसे पहले क्या है दसमा फैक्टर एक्टिवेट हुआ इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक पाथवे में, उसके बाद में क्या हुआ कि क्लॉटिंग फैक्टर 10+ में कैल्शियम आयन बहुत सारे एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, यानी दसवां फैक्टर जो एक्टिवेट है वो और कैल्शियम आयन दोनों मिलके सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन को किसमें एक्टिवेट करते हैं थ्रोम्बिन के अंदर एक्टिवेट करते हैं। फिर जो थ्रोम्बिन एक्टिवेट हुआ है सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम आयन एक्टिवेट फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, यानी जो एक्टिवेटेड थ्रोम्बिन है और कैल्शियम आयन है जो एक्टिवेट हो चुके हैं वो किसको एक्टिवेट करते हैं फाइब्रिनोजन को एक्टिवेट करते हैं, किसमें फाइब्रिन में। फाइब्रिन आपको पता है एक तंतु है ठीक है मोनोमर, फिर एक्टिवेटेड फाइब्रिन बाय द हेल्प ऑफ फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर मेक क्लॉट इन ब्लड वेसल्स। फिर क्या है कि जो फाइब्रिन एक्टिवेट हुआ था वो क्या है फाइब्रिन स्टेबिलाइजिंग फैक्टर यानी 13वें क्लॉटिंग फैक्टर के द्वारा क्या है कि स्टेबल कर दी जाती है यानी नेट बना दिया जाता है उसका, और मोनोमर को पॉलीमर में कन्वर्ट कर देता है और ब्लड वेसल्स के अंदर क्या बन जाता है ब्लड क्लॉट बन जाता है, और एक्स्ट्रा होने वाली जो ब्लीडिंग है ह्यूमन बॉडी से वो क्या हो जाती है स्टॉप हो जाती है। तो आपका नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर आएगा एनीमिया डिजीज के ऊपर, यानी जब क्या है ह्यूमन बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी जो सेलुलर कंपोनेंट है ब्लड का वो और हीमोग्लोबिन परसेंटेज दोनों जो डिक्रीज हो जाती है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं एनीमिया। थैंक्स टू ऑल।